नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। अयोध्या में मंदिर में आज जैसे ही रामलला विराजमान हुए, पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। अयोध्या ही नहीं, पूरे देश भर में लोग आज पूरे दिन इस पल की खुशी मनाते दिखे। इसी क्रम में निरसा की निरसा मध्य पंचायत में अलग ही नज़ारा देखने को मिला। जहां एक ओर निरसा मध्य पंचायत भगवा में लग रही थी, तो वहीं लोग इस क्षण की खुशी को कहीं आतिशबाजी कर तो कहीं एक दूसरे को गले लगाकर व्यक्त कर रहे थे। निरसा मध्य पंचायत में मुखिया रीता देवी के सौजन्य से भंडारे की भी व्यवस्था की गई थी। साथ ही मुखिया रीता देवी व समाज सेवी मनोज सिंह की ओर से पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार गोपीनाथपुर कोलियरी मोड़ से निरसा तक नगर भ्रमण यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं पूरी पंचायत के सभी मंदिरों में दीप जलाए गए। मुखिया जी, अभी आप लोग रैली में आए हुए, ये रैली कहाँ से निकली और कहाँ तक जाएगी? ये रैली गोपीनाथपुर मोड़ से लेकर गोपीनाथपुर मंदिर से लेकर बाजार मोड़ तक जाएगी। और क्या कुछ कार्यक्रम है आज रैली के दौरान, क्या क्या मंदिरों में कार्यक्रम किया जाएगा? आज के दौरान सभी मंदिरों में दीप प्रज्वलित किया जाएगा। शाम को काटा पर खिचड़ी का प्रोग्राम है। आज जो कार्यक्रम है, अपने राज न्यूज के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों और देशवासियों को? आज समझिए कि रामलला आ रहे हैं धरती पर, और धरती जैसे स्वर्ग हो गया है आज के। मैं यही सबको संदेश देना चाहूँगी कि जितना हो सके सभी चले इस धरती में भागीदारी बनने के। नहीं लगता कि रामराज के लिए निरसा विधानसभा भगवानमय हो गया है? नहीं चाहिए, ये तो हमारे बड़े गर्व की बात है। यहाँ बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके को खास बनाने के लिए निरसा मध्य पंचायत की मुखिया रीता देवी व समाज सेवी मनोज सिंह की ओर से खास प्रबंध किए गए थे। पूरी निरसा मध्य पंचायत को जहाँ साफ सुथरा किया गया, तो वहीं रोशनी से नहला दिया गया। पंचायत के सभी मंदिरों में लाइटिंग व दीप जलाने की व्यवस्था की गई। मुखिया रीता देवी व समाज सेवी मनोज सिंह की इस भूमिका की मुखिया संघ के अध्यक्ष से लेकर पंचायत के सभी लोग दिल खोल कर तारीफ कर रहे हैं। इसके साथ ही मुखिया रीता देवी ने सभी पंचायत वासियों से अपील की है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों पर चलने की कोशिश करें।
तभी असल मायने में हम अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। एआरआई न्यूज के लिए पवन मोदी की रिपोर्ट।